एक पुरानी कहावत है, काजियों की लड़ाई में मुर्गा हलाल। आज काजी बने नगर पालिका नीलोखेड़ी और बिजली विभाग के अधिकारी और हलाल हो गई बेचारी गरीब जनता। मामला कुछ ऐसा है कि बिजली बोर्ड ने नगर पालिका नीलोखेड़ी से करीब 65 लाख का बिल लेना है, जबकि नगर पालिका का कहना है कि उन्होंने बिजली बोर्ड से 50 लाख रुपये लेने हैं। ऐसे में पहले बिजली बोर्ड नगर पालिका का कनेक्शन काटता है और उसके बाद नगर पालिका के कर्मचारी दनदनाते हुए पहुंचते हैं बिजली बोर्ड कार्यालय में, वहां पर कर देते हैं बिजली बोर्ड का दफ्तर सील। नगर पालिका में बिजली कटने से ऑनलाइन काम ठप हो गया और इधर बिजली बोर्ड के ऑफिस के सील होने के बाद बेचारी जनता परेशान दिखी। कांता देवी, हाँ जी, ताला लग रहा है, यहाँ कोई मिले नहीं। क्या काम था जी? मीटर लगवाना था, मीटर पटवाना। हमारा बिल में ना ज्यादा पैसे लगे हुए हैं। मैं गुरु कृपा कर हुड़ से आया हूँ और बिल को ठीक करवाने के लिए आया था और यहाँ पे दफ्तर बंद है। इसीलिए बिजली बोर्ड के कर्मचारी धरने पर भी बैठ गए। नगर पालिका की धींगा मुश्ती के खिलाफ करीब 5 घंटे ड्रामा चला। इसी बीच पहले हम सुनाएंगे आपको नगर पालिका सचिव का पक्ष। हमने इनका भरना था बिल, कई बार मैंने कह दिया हमने इनके 50 लाख रुपए लेने हैं, जिसमें कि आपका डेवलपमेंट चार्ज भी शामिल, कई बार इनको नोटिस लिखा गया, बट इन्होंने उसके लिए कोई इन्होंने कभी गंभीरता नहीं दिखाई। कई बार लिखने के बाद मुझे आज ऑफिस को जो ना आपका कहना पड़ा, सील करना पड़ रहा। तो आगे क्या कार्रवाई की जाएगी इस पर? देखो जी, हमारे ऑफिस का बिजली का बिल उन्होंने कह दिया, आप काट दिया, जबकि हमने ऑफिस का बिजली का बिल इनका भरा था। कुछ पैसे जो आपका बकाया है, हमने इनको इतना तक कहा कि जो आपके हैं बकाया जो हमने लेने वो आपसी में एडजस्टमेंट हो जाए, लेकिन ये कहते हैं हमें हम आपके नहीं देंगे लेकिन हम अपने लेंगे, ये तो अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए मुझे आना पड़ा इस कॉपी को सील करने। अब सुनिए बिजली बोर्ड के SDO साहब को, आखिर ये सब हुआ क्यों? सर, क्या मामला है? ये नीलोखेड़ी म्यूनसिपल कमेटी का 65 लाख रुपए बिजली का बकाया है जो उन्होंने हमें देना है, और ये लगभग 1 साल से चल रहा है मैटर, जो इनकी तरफ बकाया है। हम हर महीने इनको नोटिस लिखते हैं, नोटिस भी दिए हुए हैं कि अपने बिल की अदायगी कीजिए नहीं तो आपका कनेक्शन काट दिया जाएगा, बट इनकी तरफ से कुछ भी इस चीज़ को सीरियसली नहीं लिया गया गंभीरता से। और हमने इनका कनेक्शन भी काटा है 1-2 बार, ये 5 लाख की पार्ट पेमेंट कर देते हैं, बाकी अगले महीने दे देंगे, हर बार यही करते हैं। तो अब की बार इन्होंने क्या किया कि हमने इनको नोटिस दिया कि आपका कनेक्शन काट दिया जाएगा और आपका ये 65 लाख रुपए बकाया है, 31 मार्च है, इससे पहले जमा कराए नहीं तो हमारे ऊपर प्रेशर है, निगम का भी है, सब डिपार्टमेंट अपना पैसा कर रहे हैं, आपका पैसा रुका हुआ है। तो इन्होंने इसमें द्वेष में आके हमारी बिल्डिंग को सील कर दिया है कि ये बार बार पैसा मांगते हैं, तो इन्होंने बिल्डिंग को सील कर दिया, कह रहे हैं कि डेवलपमेंट चार्जेज है कुछ 49 लाख रुपए के बकाया है जो देने हैं बिजली बोर्ड ने, जबकि ये पैसे HVPN ने देने हैं, UHBVN का कोई भी बकाया नहीं है। UHBVN का कोई बकाया नहीं है, HVPN ने देने हैं, बल्कि इनकी बिल्डिंग को सील नहीं किया, HVPN की बिल्डिंग को, और हमारी बिल्डिंग को सील कर दिया द्वेष में आके, जबकि हमारी तरफ कोई बकाया भी नहीं है। सर्विसेज पे इफेक्ट पड़ेगा इस तरह? बिल्कुल सर्विसेज पे इफेक्ट है, हमारा कुछ एरिया बंद भी पड़ा है, फीडर ब्रेकडाउन है, मेरा ऑफिस सील है, TNP जो भी सामान लगना है फीडर को चालू करने के लिए सब अंदर पड़ा है, मेरा स्टाफ दरी में के पे बैठा हुआ है, बाहर बैठा हुआ है। हाँ बिल्कुल सर, ये जो कनेक्शन कटा था दोबारा लगाने की कोशिश की इन लोगों ने? हाँ बिल्कुल, इन्होंने एक बार इन्होंने खुद भी लगाया है, हमने काट दिया था तो इन्होंने खुद अपने आप, इसमें FIR होती है 138 के तहत, ये इन्होंने खुद अपनी मर्जी से ही बिना कोई इंटीमेशन दिए अपने आप ही कनेक्शन जोड़ लिया था। इसकी भी मैंने इनको लेटर लिखा था कि किस भी आप पे आपने ये कर दिया है, इसका भी कोई जवाब नहीं आया अब तक मेरे पास इनका। अब आप एक्शन लेंगे इनके खिलाफ? हाँ बिल्कुल, हम एक्शन ले रहे हैं इनका, हम अपने हायर अथॉरिटीज से बात हो रही है, एक्शन कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड हो रहा है अभी। क्या है स्ट्रीट लाइट का बिल था सर, क्या था 65 लाख? ये था स्ट्रीट लाइट का बिल था, हमने स्ट्रीट लाइट की कनेक्शन काटे थे लास्ट मंथ, तो वारदात सुनने में आई थी कि चोरी हो गई, लोग यहाँ पे इकट्ठा हो गए कि आप हाँ कि आपके लाइट काट देते हो शहर की, चोर उचक के आ रहे हैं, मतलब चोरियाँ हो रही है, वारदात हो रही है, चेन स्नैचिंग हो रही है, आप ऐसे ना करें। इसके लिए अभी हमने अवगत कराया था कि हम स्ट्रीट लाइट का आपका बिल बकाया है और ये हम इसका कनेक्शन काट नहीं सकते, आम जन को असुविधा हो रही है, तो आप अपना बिल भर दीजिए नहीं तो हम आपके ऑफिस का कनेक्शन काट देंगे जन सुविधा को देखते हुए। तो हमने इसी के तहत कार्रवाई की थी, हमने काटा भी था, पिछली बार काटा 5 लाख रुपए दिए हमने इनका जोड़ा, हमने कहा कि
पार्ट पेमेंट किया बट आप हमें 65 लाख है कुछ तो कहिए 20-25 कुछ हमें कुछ दीजिए बट ये मार्च में तो इन्होंने कुछ भी नहीं दिया, मतलब कह रहे कि पैसा नहीं है या जो भी इनका सबमिशन था ना इन्होंने कभी सीरियसली लिया। इस चीज़ को हम परस्यू कर रहे हैं, लगभग साल भर से परस्यू कर रहे हैं इनको। तो हम ऑफिस सील्ड है तो आप बाहर रहेंगे तब तक? हाँ अभी तो ऑफिस सील्ड है, हम बाहर हैं अभी, देखते हैं हमारे अधिकारियों की उसमें नॉलेज में है ये, जो भी आदेश होंगे वही के हमारे पालना की। चाहे 5 घंटे के ड्रामे के बाद सब कुछ सामान्य हो गया, लेकिन क्या ऐसी नौबत आना जरूरी था? क्या नगर पालिका के दफ्तर में और बिजली बोर्ड के दफ्तर के बाहर जनता इसलिए धक्के खाती रही कि 2 अधिकारियों के अहम टकरा गए थे? आप इस पोस्ट को शेयर जरूर करें और अपनी राय जरूर